गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक इज़ फार्माकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन इसका जानेंगे फार्माकोलॉजी का, कि फार्माकोलॉजी होती क्या है, इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में या हमारे सब्जेक्ट में। तो लर्न अबाउट द फार्माकोलॉजी, आइए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के जो मेन डेफिनेशन है, फार्माकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स on the body and body response to the drug। फार्माकोलॉजी का मेनली जनरली होता है जो हमारी बॉडी में ड्रग्स एंटर करती है उसका क्या इफेक्ट रहता है हमारी बॉडी पे, और दूसरा वो इफेक्ट होने के साथ में बॉडी उसके खिलाफ क्या रिस्पॉन्स दे रही है, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं, उसका क्या यूज़ है हमारी बॉडी में, वो फार्माकोलॉजी होती है। जनरली The term pharmacology is derived from the Greek word in pharmakon। Pharmakon से एक ग्रीक वर्ड है, उससे ये फार्माकोलॉजी का उत्पादन हुआ है। तो जनरली जो फार्माकोलॉजी है, फार्मा प्लस लॉजी। फार्मा मीन्स क्या होता है, ड्रग, एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी अबाउट द ड्रग। पूरी होल स्टडी हम लोग ड्रग की उसमें करते हैं कि उस ड्रग का पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला हमारा ड्रग है, ड्रग का क्या रोल रहेगा, एनी एजेंट्स विच यूज फॉर द डायग्नोसिस। जनरली हम कोई ड्रग खाते हैं तो पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, देन उसके बाद ही हम ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो पहले उसका हमारा होगा डायग्नोसिस। तो कोई भी एजेंट है, क्योंकि केमिकल के एजेंट्स हैं फार्माकोलॉजी में, तो उनका क्या बेसिकली जो हमारा बॉडी में रोल रहेगा वो डायग्नोसिस का रहेगा। देन है प्रिवेंशन, जैसे प्रिवेंशन आप किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, जैसे लाइक वैक्सीन से या हम किसी भी इंजेक्शन से पेनिट्रेट करते हैं, तो उसका जनरली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। देन ट्रीटमेंट, पर्टिकुलरली वो ड्रग ट्रीटमेंट कैसे कर रही है, जस्ट लाइक ए एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती हैं। सेकेंड है ड्रग इफेक्ट, कि वो ड्रग हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट देगी खाने के बाद, मतलब फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स। तो क्या होगा, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, कि जो ड्रग है वो बॉडी पे क्या इफेक्ट देगी, मतलब उसके एडवर्स इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट, उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट, उसकी टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी देगा। जब हम कोई दवाई खाएंगे तो उसका कुछ हमें बेनिफिशियल होगा या तो नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें होंगी। तो इसका जो डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडी द बायोकेमिकल्स एंड फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजी इफेक्ट ऑफ ड्रग। हमारे पैरामीटर्स होते हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स या बायोकेमिकल्स पैरामीटर्स, उस पर वो इफेक्ट करेगा। सेकंड है बॉडी रिस्पॉन्स, कि हमारा जो शरीर है उस दवाई के खिलाफ क्या रिएक्शन करेगा, क्या एक्शन करेगा, क्या रिस्पॉन्स देगा, वो आता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। क्या करेगा, व्हाट डज बॉडी डू द ड्रग, कि जो बॉडी है, जो ड्रग है उसके खिलाफ जो बॉडी रिएक्शन करेगी वो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो इसमें द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द मूवमेंट्स ऑफ द ड्रग, कि जो हमने दवाई खाई है वो किस रूट से हमने ली है। सबसे पहला तो ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से आपने मेडिसिन ली है। सेकंड है वो ड्रग किस मूवमेंट्स के थ्रू जा रही है और वो कितना परसेंट हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, कितना मतलब हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग विच इन द बॉडी, कि वो बॉडी कितने मूवमेंट्स के द्वारा वो पर्टिकुलर रीच इज द ऑर्गन, उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुँच रही है, उसका इफेक्ट हमें शो हो रहा है। थैंक यू। ये तो राम करा जनरल फार्माकोलॉजी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स। थैंक यू सो मच।